2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अब बढ़ा हुआ कुनबा कहीं ना कहीं भाजपा के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस बीच केदारनाथ सीट से दो बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके कुलदीप सिंह रावत के तेवरों से भाजपा में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनके सोशल मीडिया पर चल रहे इंटरव्यू भी यही संकेत दे रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने चुटकी ली है। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं क्योंकि वो बीजेपी के परिवार के सदस्य हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी असंतोष है। सैला रानी रावत जी की बिटिया भी तैयारी कर रही हैं, कुलदीप रावत क्योंकि पिछले बार वोट लेके आए थे ठीक ठाक, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं और अन्य लोग भी वहाँ हैं। आशा नौटियाल जी हैं जो उनकी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हैं और अन्य भी दावेदार हैं। तो वहाँ नाराजी भी है, लोगों को झूठ बोलकर पार्टी में सम्मिलित किया गया, सपने दिखाए गए कि आप हमारी पार्टी में आ जाए, आगे आपको मौका मिलेगा। तो आज वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। वहाँ 80% लोग तो कांग्रेस के ट्रेंड लोग हैं। मंत्रियों को देख लो, मंत्रियों की संख्या देख लो, उसमें भी आधे मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस मुक्त करते करते खुद ही कांग्रेस में ही हो गई है भाजपा।